हे गाइस, ए वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये सुबह सुबह का टाइम है, करीब 5:30 बज रहे हैं। मैं सुबह उठ जाती हूँ 5 बजे और थोड़ी देर टहलती हूँ, एंड थोड़ा सा टहलने के बाद मैंने अपना कैमरा उठाया और यहाँ बालकनी में 2 कबूतर बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ। लेकिन जैसे ही मैं इनके करीब गई, ये फटाक से उड़ गए। तो कुछ ऐसा ही रहा, और उसके बाद फिर ये मैंने नीचे की तरफ किया। तो ये है हमारा जो छोटी सी मतलब गार्डन जैसा व्यू। इसमें आजकल बहुत ही प्यारे प्यारे बहुत सारे फूल निकल रहे हैं इस वाले प्लांट में, और मुझे इसका नाम नहीं पता है, बट इसमें फूल बहुत निकल रहे हैं। आप देख सकते हो कितने सारे फूल हैं, तो बहुत सारे फूल निकल रहे हैं और अच्छा लगता है इनको देखकर। सुबह सुबह बहुत ही प्यारा सा व्यू है। और इसके बाद मैं जाऊंगी किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए, अपने हस्बैंड का टिफिन एंड आद्या का टिफिन तैयार करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने सारा काम करने के बाद मैं आद्या को रेडी कर रही हूँ स्कूल के लिए, और आद्या को टिफिन तैयार करते करते साथ ही साथ मैं उसको उठाती भी हूँ। उठाने के बाद उसको थोड़ी देर वो थोड़ा सा रोती है, लेकिन कभी ये नहीं कहती है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। फिर उसको थोड़ा सा खिलाती हूँ, उसके बाद फिर मैं उसको नहला देती हूँ। मैंने उसको कपड़े पहना दिए हैं, उसकी ड्रेस मैं आज लेने जाऊंगी। ड्रेस अभी तक ली नहीं है, आज लेने जाऊंगी उसकी ड्रेस। तो अभी तो वो नॉर्मल जो घर की ड्रेसेस होती है वो पहन के जा रही है, तो मैंने उसको रेडी कर दिया है। देन उसको स्कूल छोड़ आई हूँ मैं। स्कूल छोड़ने के बाद जब मैं आई, किचन में सारा मेस फैला हुआ था, जो भी मैंने बनाया था लंच, उसके आद्या का टिफिन एंड हस्बैंड का टिफिन, वो बचा हुआ सारा जो भी आटा बच गया है उसे फ्रिज में लगा दूंगी मैं, और सारे बर्तन को निकाल लूंगी और यहाँ पे फ्रिज में रख रही हूँ मैं। उसके बाद जितने भी बर्तन निकले हैं उन सबको मैं पहले धुल लूंगी साथ ही साथ, नहीं तो एक के बाद एक बर्तन है वो बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पर डबल सिंक है, तो काफ़ी कमेंट आते हैं, दीदी एक सिंक में आप धुला करो, एक में रखा करो। तो मैं उस वाली सिंक में धुलूंगी, लेकिन अभी उस वाली सिंक की कुछ प्रॉब्लम है। आज प्लम्बर भी आएगा तो वो चेक करेगा क्या प्रॉब्लम है, ठीक करके तब जाएगा। तो नेक्स्ट टाइम मैं एक में धुलकर एक में रखूंगी, अभी एक वो ठीक नहीं है, इसीलिए मैं इसी में धुल रही हूँ और स्लैब पर रख देती हूँ, उसके बाद मैं इनको लगा देती हूँ। तो बर्तन धुलते टाइम में सबसे पहले जो भी कांच वाले बर्तन होते हैं, जैसे कि कप कटोरी कांच की, इन सबको पहले धुलकर लगा देती हूँ, रख देती हूँ, जिससे ये डर ना रहे कि कहीं टूट ना जाए। अक्सर क्या होता है, ज़्यादा बर्तनों के बीच में अगर ये रखे होते हैं दब जाते हैं तो ये टूट जाते हैं। और मैं काम तो ये सब कर रही हूँ, साथ में ध्यान है मेरा आध्या पे, आध्या की तरफ। जैसे मैं उसको छोड़ कर आती हूँ, मेरा पूरा ध्यान आध्या की तरफ होता है। रास्ते में आते टाइम भी पूरा ध्यान आध्या की तरफ ही रहता है, और घर आकर भी पूरा ध्यान आध्या की तरफ ही रहता है। तो बस मेरा ध्यान जो है वो उधर ही है, आध्या की तरफ ही है। एंड तो साथ ही साथ मैं काम भी करती जा रही हूँ अपना। और तबीयत आजकल मेरी ठीक नहीं चल रही है, और मैंने संडे का कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया था क्योंकि उस दिन की तबीयत नहीं ठीक थी। लेकिन फिर आज दवाई वगैरह खाने के बाद, जो घर में दवाइयाँ रखी होती हैं जैसे कि फीवर की, पेन किलर, ये सब चीज़ें, तो उनके लिए ली थी मैंने एक पेन किलर, क्योंकि आजकल हाथ पैरों में बहुत दर्द रहता है, मौसम ख़राब है इस वजह से, या फिर कुछ भी, और आजकल वीकनेस बहुत रहती है, कमजोरी सी रहती है, ज़्यादा देर खड़े रहकर काम करना, थक जाती हूँ, और ज़्यादा काम करने से भी थक जाती हूँ। तो यही कुछ वीकनेस की प्रॉब्लम हो रही है आजकल मुझको। तो मैंने फिलहाल तो एक मेडिसिन ले ली, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे थे कि मैं स्कूल नहीं जाता हूँ आज, तो वो दिखाने चलता हूँ सीधे। तो मैंने बोला आप होकर आ जाओ, उसके बाद जब आ जाएंगे ना आप वापस, तब चलेंगे डॉक्टर को दिखाने। फिलहाल तो अभी थोड़ा बेटर लग रहा है, लेकिन मैं ठीक नहीं थी, अभी भी ठीक नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा मेरे ज़्यादा काम करने से हाथ भी बढ़ जाती है एकदम से, और कमजोरी की वजह से मुझे कुछ समझ में नहीं आता है कि काम करने की बैठ जाए चुपचाप, और ना अगर आध्या भी सामने होगी, कुछ मांग रही होगी या कुछ भी कहेगी, तो मैं वो भी नहीं कर पाती हूँ। इतनी हालत थोड़ी सी
खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आप सभी से बात करते करते मेरे सारे बर्तन जो है उनको मैंने मान लिया है और फटाफट धुल धुल कर स्लैब पर ही लगा दूंगी। उल्टा करके लगाती हूँ क्योंकि सारा पानी उनका निकल जाए, फिर बार बार चला देती हूँ छोटा वाला जो किचन का ही है, और फिर सारे बर्तनों को मैं स्टैंड में लगा देती हूँ। उसके बाद जो स्लैब पे जो कुछ भी थोड़ा बहुत पड़ा होता है कोई खाना बनाया है तो उसको सब क्लीन कर देती हूँ कपड़े से, और बर्तन भी धुले थे वो भी स्टैंड में लगा दिए हैं और उनको और स्लैब को भी क्लीन कर दिया है। तो ये सब करने के बाद मैं अपने हैंड को वॉश कर लूँगी और पोंछ लूँगी। उसके बाद मैंने आज सुबह से नाश्ता नहीं किया है, मतलब सुबह नाश्ता नहीं किया था इस वजह से भूख लगी हुई है, तो मैंने सोचा कुछ अपने लिए। मैं यहाँ पर फ्रूट निकाल रही हूँ फ्रिज से, तो मैंने दो एप्पल निकाल लिए हैं। एक्चुअली फ्रूट्स में एप्पल, बनाना एंड गुआवा यानी अमरूद ये भी रखा हुआ था, लेकिन जो गुआवा है मुझे थोड़ा सा कम पसंद है इसलिए मैंने गुआवा नहीं लिया है और एप्पल को कट कर रही हूँ। तो बड़े मन से बड़े चाव से मैं दो एप्पल निकाल कर लाई थी, सोचा था कि दोनों खाऊंगी, लेकिन जब मैं कट करने लगी और हाफ बाउल हो गया तो मेरे माइंड में आया कि नहीं मैं दो नहीं खा पाऊंगी, एक ही खाऊंगी। तो मैंने एक एप्पल को ही कट किया और बाकी का एक एप्पल है वो उठाकर रख दिया। शाम जब मतलब आध्या को लेकर आऊंगी तो मैं आध्या को दे दूंगी कट करके। अगर मेरा मन दोनों खाने मतलब मेरी इच्छा इतनी हो जाती कि हाँ मैं दोनों खा सकती हूँ तो मैं दोनों कट कर लेती, लेकिन मैंने देखा कि बाउल भर गया है इतने में ही और मैं इतना ही खा सकती हूँ। मैंने एप्पल को छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है ताकि स्पून से या फोर्क से बैठकर आराम से खा सकूँ। उसके बाद मैंने सोचा कि कुछ और इसमें डालना चाहिए, तो मैंने एक बनाना निकाल लिया है, उसको भी छोटा छोटा कट कर लिया है और इसमें मिला दिया है, एक एप्पल को हटा दिया है। और इसमें चाट मसाला ऐड कर देंगे क्योंकि चाट मसाला बहुत अच्छा लगता है इसी में, तो कोई भी हो कोई भी सैलड हो मतलब फ्रूट सैलड हो या फिर वेजिटेबल सैलड हो कुछ भी हो उसमें चाट मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर मैंने सारे सैलड जो है फ्रूट सैलड बना लिया है, और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं जैसा कि मैंने बताया, बट मेरे पास इतना ही था तो मैंने यही डाला है। तो मैं लेकर आ गई हूँ, आराम से बैठ के खाऊंगी अपना फ्रूट सैलड, इंजॉय करूँगी। आध्या है नहीं है, हस्बैंड स्कूल गए हैं तो अकेले हूँ एकदम, और बीमार भी हूँ तो आराम से बैठकर अपना जो भी सैलड मतलब बना के लाई हूँ फ्रूट चाट, लाइव फ्रूट चाट मतलब ज़्यादा फ्रूट नहीं है इसमें, वो खाऊंगी एंड उसके बाद लग जाऊंगी और काम में। तो चलिए फ्रेंड मिलती हूँ मैं आपसे फ्रूट्स खाने के बाद। अभी 10 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ आद्या को लेने। एक्चुअली उनकी मैम का फोन आ गया है कि आद्या फिर से रोने लगी हैं, परेशान कर रही हैं और आद्या को ले जाओ। आद्या का आज दूसरा दिन था मतलब स्कूल में, काफी दिन से बीच में गैप हो गया क्योंकि बारिश हो रही थी और कृष्ण जन्माष्टमी थी, इसकी छुट्टी थी, इस वजह से आद्या आज स्कूल जब गई थी तो आज भी रोई है और उनका फोन आया है। तो जस्ट अभी फोन आया है, मैं जा रही हूँ आद्या को लेने। तो मैं आ गई हूँ आद्या को लेकर और आद्या ये आद्या हेलो हेलो कैसा लगा स्कूल में? अच्छा। रो क्यों रहते? आपने लंच भी नहीं किया था? घर पे करेंगे। घर पे लंच करते हो? अच्छा। आद्या देखो ये अपना लंच जो है वो बचा कर ले आई है और मतलब किया ही नहीं, रो रही थी और अब खा रही है ना। आद्या ऐसे ऐसे खाओगे? ऐसे आपको भूख लगी है और बाल खोल दिए आपने? अच्छा अच्छा चीज बता दे, लोग क्यों रहते स्कूल में? देखो अफसर आ रहा था स्कूल में, क्यों रो रहे थे? मम्मा के लिए रो रहे थे। क्यों? मैंने आपको बोला था वहाँ पे मम्मा नहीं मिलती है, वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, बोला था ना।
कल जाओगे फिर पढ़ोगे, होमवर्क भी दिया है मैम ने, होमवर्क करोगे। ओके तो चलो तुम खा लो और फिर थोड़ा सा रेस्ट कर लो। ओके ओके तो फ्रेंड चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। ओके राध्या के साथ मस्ती करते करते और राध्या सो गई है, उसका टैडी भी यही पड़ा हुआ है, वो टैडी को लेकर ही सोती है। रात को भी अगर ये टैडी उससे अलग हो जाता है तो रात में अगर नींद टूटती है उसकी तो वो टैडी जरूर मांगती है। तो मैं हटाकर साइड में रख देती हूँ और ये राध्या का बैग, मेरा वॉलेट, रिमोट टीवी का, कुछ कार्टून वगैरह भी देख रही थी राध्या, इसलिए सब चीज़ें बिस्तर पर ही पड़ी हुई हैं, मैंने हटाकर अलग रख दिया है। और फिर आ गई मैं किचन में लंच बनाने के लिए। मैं वेट कर रही थी कि राध्या टीवी में कार्टून में बिजी हो जाए या फिर सो जाए, तब मैं अपना लंच बनाना शुरू करूं। और आज लंच में मैं बनाऊंगी मसालेदार बैंगन, जो कि काफ़ी दिन से पतिदेव ला के रखे हुए थे, लेकिन तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से रोज़ एक ना एक दिन टाल रही थी, जैसे कि ये करेले भी पड़े हुए हैं जो कि अभी तक नहीं बनाए मैंने, तो देखते हैं कब इनका नंबर लगता है। जब मन ठीक हो, तबीयत ठीक हो, स्वस्थ हो, तब हर चीज़ करने का इच्छा भी होती है। तो यहाँ पे मैंने सारे जो भी बैगन है, ये छोटे वाले बैगन हैं, इनको निकाल लिया है। और वैसे तो मैं वेजिटेबल जब आती है मार्केट से तब मैं धुल कर क्लीन करके फिर में लगाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार फिर से वॉश कर लेते हैं, तो इनको फिर से धुल लिया है। उसके बाद अब मैं इनको काटना शुरू करूँगी, तो इनको चार हिस्सों में काट देना है, यानी बीच से दो जगह से निशान लगाएंगे तो चार भाग में हो जाएंगे। तो एक बैगन जो है इसमें खराब निकल गया था, वो पहला ही वाला। उसके बाद ये देखिए मैं सारे बैगन को इसी तरीके से कट करके अंदर देख रही हूँ कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और इनको अच्छे से देख कर तभी काटना है, क्योंकि आजकल बैगन में कीड़े वगैरह बहुत आते हैं। हमेशा देख कर ही कट करना चाहिए कोई भी सब्जी, क्योंकि बारिश का मौसम है और कीड़े वगैरह तो आते ही रहते हैं। और फिर मैं गैस पे कढ़ाई चढ़ा दूंगी एंड इसमें डालूंगी थोड़ा सा सरसों का ऑयल, एक्चुअली थोड़ा सा नहीं, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा सा ऑयल लगेगा। और मैं सारा खाना हमेशा मस्टर्ड ऑयल में ही बनाती हूँ, यानी सरसों के तेल में, और अच्छा भी होता है। जैसे ही ऑयल में धुआं आने लगे, क्योंकि इस ऑयल को गर्म करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, नहीं तो ये कच्चा रहता है। जैसे ही धुआं आने लगेगा गैस का फ्लेम लो कर दूंगी। सबसे पहले मैं थोड़ी सी हींग और एक कलौंजी, जीरा और थोड़ा सा ये साबुत धनिया और सौंफ, इन सारी चीज़ों को डालकर, एक तेज पत्ता डालकर इनको थोड़ा सा भून लूँगी। और जैसे ही ये भूनने लगेंगे, यानी चटकने लगेंगे, उसके बाद मैंने जो ये प्याज का पेस्ट करके रखा है उसको डालना है। इसमें लहसुन नहीं है, सिर्फ प्याज है, आप चाहें तो इसमें लहसुन भी डाल सकते हैं। मैंने लहसुन कम यूज करती हूँ खाने में, आपने देखा होगा मैं लहसुन वगैरह कम यूज करती हूँ, तो आप इसमें लहसुन ऐड कर सकते हैं, बट मैंने नहीं किया है। तो प्याज को अच्छे से भून जाने के बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर, क्योंकि ये केवल टमाटर नहीं है, इसमें टमाटर है, हरी मिर्ची है और अदरक है, इन तीनों चीज़ों का पेस्ट है। इसको इसमें डाल देंगे और इसको भी पका लेंगे। जैसे ही टमाटर प्याज दोनों अच्छे से मिक्स होकर पक जाएंगे, कि इसमें बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर एंड मिर्ची पाउडर, ये सब चीज़ें डाल देंगे, कुछ मिनट तक पका लेंगे, जब तक मसाला ऑयल ना छोड़ दे। जैसे ही मसाले से ऑयल अलग होने लगेगा थोड़ा थोड़ा, फिर हम इसमें ऐड करेंगे अपने बैगन। तो यहाँ पे मसाले ने तेल छोड़ दिया है, इसमें नमक ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार और मिक्स कर देंगे। उसके बाद जो भी मैंने बैगन कट करके रखे हैं उनको इसमें मिला देंगे। और बैगन की जो उसकी जो पीछे की टेल होती है उसको नहीं हटाना है,
और ऐसे ही रखना है, इनका स्वाद ऐसे ही आता है। और सारा मिक्स कर लेंगे और ढककर कुछ मिनट तक पकाएंगे, जैसे कि 10 से 15 मिनट तक। ढककर मीडियम फ्लेम में पकाना है, फ्लेम तेज नहीं करना है और पानी भी ऐड नहीं करना है। ये ऐसे ही भाप में बहुत ही अच्छे से पक के तैयार हो जाएंगे। अगर आप पानी ऐड करेंगे तो वो स्वाद नहीं आएगा जो बिना पानी के आता है। तो यहाँ पे देखिए बैंगन जो है वो अच्छे से गल गए हैं, और इसमें जो मसाला है वो भी पूरी तरीके से अंदर जा चुका है। तो ये है हमारे मसालेदार बैंगन, जो कि 15 मिनट के अंदर अंदर बन के तैयार हो चुके हैं। तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी होता है कि मैं इनको भर के बनाऊँ, लेकिन मसालेदार वाले ज्यादा पसंद आते हैं। इसमें मैंने आमचूर पाउडर ऐड कर दिया है, क्योंकि तो बैंगन में खट्टापन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने आमचूर पाउडर को 2 टेबल स्पून ऐड कर दिया है, इन मिक्स कर देंगे। तो ये है हमारे मसालेदार बैंगन बन के तैयार हो गए हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और ऐसे आप लोग अगर बनाते हैं, अक्सर लोग बनाते होंगे इसी तरीके से, अगर नहीं बनाते हैं तो ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे जरूर बताइएगा कि कैसे लगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ बाद में आपसे। ओके। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के करीब 6:30 बज रहे हैं और 7 बजे डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है मेरा। तो मैं तैयार हो गई हूँ, बस वही सूट वही पहने हूँ जो मैं आज जाके स्कूल गई थी जब, और लिपस्टिक लगा ली हल्की सी। थोड़ा सा रेडी हो जाओ तो बीमार बीमार से नहीं लगोगे, लेकिन फिर भी बीमार हैं तो हैं ही, तो आँखों से भी पता चलता है, फेस से भी पता चलता है, फेस डल हो रहा है, आंखें वीक हो रही हैं, हर एक तरफ से पता चलता है कि हाँ तबीयत ठीक नहीं है। और देखा, आध्या भी तैयार कर दिया है, आध्या को आधा तैयार अभी ने नहीं मुंह किया, धो आधा ने सिर्फ फेस धुल के आई है। अभी इतनी हिम्मत ही नहीं हो रही है कि ये सब मैं करूँ, बहुत थकान लिया थकान सी लग रही है। और पानी नहीं और बहुत वीकनेस है, बहुत ज़्यादा, हर एक बात करने में भी हार्ट बीट बढ़ती है मेरी। तो चलिए हम ज़्यादा बातें ना करते हैं और चलते हैं, पहले हम दवाई लेकर आते हैं, ठीक है आध्या? और वापस मेरी आते भी है टाइम आध्या की ड्रेस। ड्रेस लानी है। हाँ, हाँ, आपकी वो फट स्कूल की गई है। ड्रेस लेके आनी है। आपकी स्कूल की ड्रेस ली कहाँ थी? तो आध्या की स्कूल की ड्रेस लाएंगे, एंड बैग भी लाना है। जो स्कूल की तरफ से बैग मिला था वो मतलब अच्छा नहीं है और टूट गया है उसकी डोर, तो इसलिए नया बैग लाना है स्कूल आध्या के स्कूल के लिए। तो चलिए चलती हूँ, आध्या के पास बाल खींच दूँ, नहीं तो आध्या के डैडी खींच देंगे। आध्या डैडी से बाल खिंचवा लोगे? जाओ। तो चलिए फ्रेंड, मिलती हूँ बाद में। तो हम निकल चुके हैं और अभी रास्ते में हैं, और जैसे ही मार्केट की तरफ पहुँचते हैं तो बहुत ज़्यादा रश है यार मार्केट में, क्योंकि क्योंकि झांकी निकल रही थी। जैसे कि पता है आप लोगों को गणेश महोत्सव आने वाला है, तो उसकी उपलक्ष में झांकियाँ वगैरह निकलती हैं रोड से, तो काफ़ी रश था, जाम लगा हुआ था और पुलिस वाले आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। इस वजह से शॉर्टकट से जाना पड़ा था हम लोगों को दूसरी तरफ के रास्ते से। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे हैं हॉस्पिटल, क्योंकि हॉस्पिटल में जाके पहले दिखाना था। उससे पहले हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाया है, एंड डॉक्टर को दिखाने के बाद दवाई लेने के बाद हम लोग निकल गए थे आध्या के लिए शॉपिंग करने। जैसे कि आध्या की ड्रेस लेनी थी, आध्या का स्कूल का बैग लेना था, तो वो लेने के लिए तो सबसे पहले मैंने आध्या की ड्रेस ले ली है। उस टाइम में मेरा कैमरा नहीं उठाया था क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उसके बाद फिर जब मैं बैग वाली दुकान पे पहुंची तो मैं थोड़ा सा सूट लिया था आप लोगों के लिए। यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे लेडीज के पर्स भी थे, इसलिए मैंने सूट किया कि आप लोगों को दिखाऊं, हमारी प्यारी प्यारी बहनें हैं वो भी देख लें। तो यहाँ पे मैंने आद्या के लिए एक बैग है वो पसंद किया और आद्या को भी अच्छा लगा, और इसको लेकर हम लोग घर वापस आ गए। तो गाइस, जस्ट अभी मैं लौट कर आई हूँ, दिखाकर डॉक्टर को भी और आद्या का ड्रेस एंड बैग भी लेकर आई हूँ। तो डॉक्टर को दिखाया है तो कुछ दवाइयाँ दी हैं जिससे मेरी वीकनेस है वो ठीक होगी, एंड थायराइड की चेक जांच हो गई है और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आएगी। तो थायराइड चेक किया उन्होंने और सब कुछ ठीक है, एंड मैं लेके आई हूँ जो सामान वो दिखाती हूँ।
तो आद्या का बैग लेकर आई हूँ। आद्या ठीक है? ये है आद्या का बैग, ये डोरा वाला लिया। आद्या ने खुद पसंद किया कि मम्मा मुझे डोरा वाला चाहिए, ये बैग लेकर आई है स्कूल के लिए। इसमें एक एक ये है पॉकेट, एक ये है एंड एक ये है एंड ये वाटर बॉटल के लिए है। तो अच्छा है पिंक कलर, बस अरे सॉन नहीं होता। और पिंक कलर वैसे भी लड़कियों का फेवरेट होता है और आद्या का भी फेवरेट है ना। आद्या आद्या अच्छा लगा? ठीक है, चल अपनी बुक रख लेना। ओके अभी बैग को मैं पैक कर दूंगी। ये डोरा है, ये डोरा है, डोरा ये डोरा नाम है इस लड़की का। और ये है आद्या की ड्रेस, जो कि इसमें दो एक बार एक ड्रेस मिली है, एक रेड कलर में है जो कि पेंडल जो को पहन के जानी होती है, तो वो अभी नहीं मिली है, वो थी वो कल मिल जाएगी। तो ये एक ड्रेस तो आ गई है आद्या की ये वाली। और ये है शर्ट वाइट कलर का एंड टाई बेल्ट, ये भी हो गया, ये है टाई। तो ये हो गई आद्या की ड्रेस जो कि एक अभी बाकी है एंड और वेजिटेबल लेके आए हैं कुछ प्याज टमाटर और ज्यादा कुछ नहीं। मेन पर्पज था हमारा दवाइयाँ जो कि ये है, जो कि ये है, एक तो ये प्रोटीन का डब्बा है और कुछ टैबलेट्स हैं, बस यही एक दवाई। और ऐसा लगता है जब एकदम से बीमार हो जाते हैं, अभी तो एकदम ठीक लग रहा है आपसे बात कर रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन एकदम से एक पल के लिए एकदम से ऐसी वीकनेस आती है किसी में काम कर रहे हो या किसी भी टाइम पे, तो ऐसा लगता है कि अब जिंदगी बस दो पल की है, मतलब जिंदगी अब दो मिनट बाद खत्म, ऐसी हालत हो जाती है। आद्या भी बैठी होगी तो कोई चीज़ मांगेगी तो मैं नहीं दे सकती उसको, क्योंकि मुझे बहुत वीकनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा, हद से भी ज़्यादा। तो बस यही प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, आ गई है दवाइयाँ, खाएंगे। बाय बाय।